तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ, और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेबी जोन के बारे में। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करा, पूछा कि भाई क्या सच में बेबी जोन के अंदर सलमान खान का कैमियो है दोस्तों। और कई सारे लोग ये कह रहे कि भाई ये फेक न्यूज़ है, कैमियो नहीं है दोस्तों। तो भाई आज की वीडियो में आपको 100% बताने वाला हूँ कि क्या सच में बेबी जोन के अंदर सलमान खान का कैमियो है, और अगर कैमियो है तो कैमियो कैसा होगा उसको पूरा रिवील करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों। दोस्तों आप सबको तो पता है कि वरुण धवन की जो पिछली फिल्में हैं दोस्तों, वो बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाई। भाई साहब यहाँ पर देखा है तो बेदिया मूवी जो आई थी दोस्तों, वो एवरेज मूवी थी। तो गाइस अब जो उम्मीदें हैं वरुण धवन को अपनी मूवी से दोस्तों, वो है बेबी जोन। अब कई सारे लोग इस गलत फहमी में है कि भाई बेबी जोन मूवी अटली कुमार की है। दोस्तों बेबी जोन की जो स्क्रिप्ट है वो अटली कुमार की है, बेबी जोन का जो प्रोडक्शन है वो अटली कुमार का, लेकिन भाई जो बेबी जोन का डायरेक्टर साहब हैं वो हैं कलीस, यानी कि भाई डायरेक्शन अटली कुमार का नहीं है दोस्तों, सिर्फ भाई स्टोरी अटली कुमार की है। दोस्तों आप सबको पता है कि भाई जवान की स्टोरी अटली कुमार ने लिखी थी, अब भाई वो कितनी बड़ी हिट हुई थी। जब भाई जवान मूवी दोस्तों इतनी बड़ी हिट होती है तो भाई बेबी जोन मूवी कितनी बड़ी हिट होगी। सारा जो मूवी का खेल होता है वो स्क्रिप्ट का होता है। मूवी तो कोई भी डायरेक्ट कर देगा, लेकिन अगर भाई स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हुई तो दोस्तों भाई बड़े बड़े डायरेक्टर भाई फ्लॉप हो जाते हैं। आपको याद होगा ट्यूबलाइट 2017 के अंदर आई थी, सलमान खान उस वक्त भाई ब्लॉकबस्टर एक्टर था, जहाँ पर हाथ डालो वहीं सोना था। लेकिन भाई उस ज़माने में 2017 में गाइस यहाँ पर ईद के मौके पर ट्यूबलाइट मूवी आई थी, क्या धमाका करा था भाई। मुझे यकीन है भाई उस यकीन को सलमान खान ने यकीन में बदल दिया, भाई साहब मूवी हो गई बहुत बड़ी डिजास्टर साबित। दोस्तों ये बात भी सच है कि भाई ट्यूबलाइट मूवी फ्लॉप नहीं हुई थी, एवरेज भी नहीं हुई थी, हिट हुई थी, लेकिन भाई साहब सलमान खान के हिसाब से भाई ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई थी। बाकी अब बात करते हैं भाई बेबी जोन के अंदर सलमान खान का कैमियो कैसा है। तो गाइस ये बात 100% सच है कि भाई सलमान खान का कैमियो होने वाला है भाई साहब बेबी जोन के अंदर, और कैमियो ऐसा होगा दोस्तों बेबी जोन के अंदर वरुण धवन फाइट कर रहे होंगे गुंडों से अंदर, गुंडों के अंदर कई सारे गुंडों होंगे भाई, मारते मारते 5-7 मिनट हो जाते हैं, फिर भाई वो उस गुंडों के अंदर दोस्तों भाई वरुण धवन फंस जाता है। फंसने के बाद दोस्तों भाई काफ़ी पिटाई होती है वरुण धवन की, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। फिर अचानक से भाई वरुण धवन को गुंडे मारते मारते भाई मरगिल्ला कर देते हैं, जैसे कि इंसान लटक जाता है, बेहोश हो जाता है। तो गाइस फिर जब होश आता है वरुण धवन को, तो गाइस फिर सलमान खान की एंट्री होती है, और एंट्री ऐसी होगी दोस्तों, दो बातें बता जा रहा हूँ कि या फिर भाई सलमान खान एक आसमान से दोस्तों भाई बंदा कूदेगा हेलीकॉप्टर के द्वारा, दूसरी जो बताई जा रही है इस तरह की बातें बताई जा रही है भाई दीवार तोड़कर दोस्तों भाई वरुण बेबी जोन के अंदर भाई सलमान खान का कैमियो होने वाला दोस्तों, जो कि भाई कैमियो बहुत ही ज़्यादा लंबा चलेगा, तकरीबन 10 से 12 मिनट का कैमियो होगा भाई। गुंडों को भाई क्या भूरता बनाएगा दोस्तों सलमान खान भाई, मार मार के भाई सारे मरगिल्ले करते हैं गुंडे इसके अंदर कई सारी भाई। दोस्तों सलमान खान के एक्शन सीन भी होने वाले हैं जो कि भाई 10 से 12 मिनट के अंदर भाई शूट कर जाएंगे। फिर भाई सलमान खान भाई वरुण धवन को बचाकर अपने मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जहां पर वरुण धवन की दोस्तों भाई बीमारी का जो भाई कोटा है भाई वरुण धवन को, उसका इलाज हो सके, या तो भाई अस्पताल बंदा छोड़ देगा या फिर दोस्तों ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, फिर भाई वहाँ से सलमान खान का भाई कैमियो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों सलमान खान के कैमियो के लिए। बाकी दोस्तों जो जो भाई अपडेट निकल के सामने आ रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आप ये कहें कि भाई आज जब मूवी बेबी जोन रिलीज़ होता था कि भाई तूने बताया था कि भाई बेबी जोन का सलमान खान का कैमियो है, तो भाई कैमियो है 100%। जो अब तक मुझे बातें पता चल रही हैं दोस्तों 100% कैमियो है। बाकी दोस्तों है कैमियो दोस्तों, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भाई बेबी जोन के अंदर सलमान खान का कैमियो है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। तो गाइस बाकी बेबी जोन मूवी के बारे में बात करेंगे भाई, बेबी जोन मूवी वरुण धवन के करियर के लिए एक इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है दोस्तों भाई। अगर ये मूवी चल गई दोस्तों भाई, वरुण धवन की एक्टिंग लोगों को पसंद आ गई दोस्तों भाई, फिर एक्शन थ्रिलर मूवी वरुण धवन को करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों वरुण धवन जो फिल्में लेकर आ रहे हैं दोस्तों, बेदिया 2 का नाम निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, ये मूवी ना करें, फिर भाई एक्शन की तरफ जाएं, एक इमेज बन जाएगी एक्शन की जो कि भाई काफ़ी तगड़ी दोस्तों आने वाले समय में लाभदायक होगी। बाकी इस मूवी को डायरेक्ट करा है कलीस ने, इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले करेंगे वो भी कलीस करेंगे, इस मूवी का जो डायरेक्ट जो डायलॉग लिखे जाएंगे भाई वो सुमित अरोड़ा ने लिखे, मूवी की जो स्टोरी है यानी कि स्क्रिप्ट है वो अटली कुमार की है, बाकी मूवी का जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो है अटली कुमार का।
बाकी इसके अंदर इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई अटली कुमार की वाइफ का भी दोस्तों भाई यहाँ पर पैसा लगा हुआ है दोस्तों। बाकी इसकी जो स्टार कास्ट है वरुण धवन दोस्तों इसके अंदर लीड रोल के अंदर है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस मूवी का बजट तकरीबन 150 से 180 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। बाकी ये मूवी दोस्तों 25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में आएगी और दोस्तों ये मूवी हिंदी में बनी है, बाकी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर जाएगा। बाकी आप देखते हैं दोस्तों बेबी जोन मूवी का क्या हाल होता है भाई साहब यहाँ पर देखा है तो। बाकी आप बेबी जोन मूवी के अंदर सलमान खान के कैमियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो।